हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ। आज हम बात करेंगे फ्यूल्स की। ओके, फ्यूल्स क्या होते हैं? ए सब्सटेंस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कीप आउट हीट एंड एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल। इट कैन बी आइदर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। मतलब सब्सटेंस वो पदार्थ होते हैं जो एयर की प्रेजेंस में जलने के बाद हीट यानी कि ऊष्मा और ऊर्जा, हीट और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। वो चीज़ें, वो पदार्थ फ्यूल कहलाते हैं। ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ओके, फ्यूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स। अ मेजर पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय बर्निंग फ्यूल्स। फ्यूल जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बर्निंग फ्यूल से ही हमें जो ज़रूरतें हैं हमारी वो पूरी होती हैं, और हमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फ्यूल से ही प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। ठीक है, एक आइडियल फ्यूल या मानव ईंधन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहला, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, ये महंगा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट टू स्टोर एंड मस्ट टेक लेस स्पेस, ये स्टोर संग्रह करने में सुविधाजनक होना चाहिए और कम से कम जगह घेरता हो। ओके, दूसरा, इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस वाइल बर्निंग एंड शुड नॉट लीव एनी एस बिहाइंड, ये हार्मफुल गैसेस ना छोड़ता हो जब ये जलाया जाता हो तो या यूज़ किया जाता हो, और ना ही कोई राख या कोई भी कचरा लास्ट में छोड़ता हो। इट शुड हैव अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, तुरंत जल जाए। इग्निशन टेम्परेचर द फ्यूल शुड बी अबव रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ऊपर ही होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर बराबर होगा तो एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही जलने लगेगा बाहर जैसे। द फ्यूल शुड बर्न सेफली एंड रेडिली कम्बस्टिबल, फ्यूल जो है सुरक्षित रूप से जलने वाला, पूर्ण रूप से दहन होने वाला होना चाहिए। इट शुड हैव लो कंटेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल मटेरियल, और जो नॉन वोलेटाइल मटेरियल होते हैं उनकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो अकरेंस के उत्पत्ति के आधार पर, जहाँ से निकल के आते हैं उस आधार पर, ये निम्न तरीके से विभाजित किया गया है। वैसे प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल्स। प्राइमरी फ्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, दे आर यूज इन द सेम फॉर्म एज दे अकर इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल वुड, ड्राई लीव एंड काउ डंग। दे आर यूज मोस्टली इन रूरल एरियाज फॉर कुकिंग। प्राइमरी फ्यूल्स वो होते हैं जो जैसे नेचर में आते हैं वैसे ही उनका इस्तेमाल होता है। जैसे लकड़ी काटी, सुखाई जला दी, पत्तियाँ सूख गई गिर गए वो जला दी, काउ डंग जो हमें प्राप्त हुआ वैसे के वैसे जला दिया। तो ज़्यादातर ये गाँव में कुकिंग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रोसेस के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है कुकिंग के लिए उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेकेंडरी फ्यूल की बात करें, सेकेंडरी फ्यूल दीज आर द फ्यूल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फ्यूल आफ्टर ट्रीटिंग दम फिजिकली एंड केमिकली, एग्जांपल पेट्रोल, केरोसिन, बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग। ये फ्यूल जो होते हैं हम नेचुरल फ्यूल से प्राप्त होते हैं उनके साथ कुछ फिजिकली केमिकली ट्रीटमेंट करने के बाद में, जैसे एग्जांपल पेट्रोल है तुरंत जैसे ही ज़मीन से आता है तुरंत हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, कैरोसिन भी है, बायोगैस भी है, एनिमल डंग से बनती है। इसको कुछ हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट फिजिकली और केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं कुछ, उसके बाद जब ये थोड़ा चेंज होता है यानी यूज़ करने लायक होता है तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।